सो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल ब्रदर्स पे। तो दोस्तों, हमारी नई वीडियो आ चुकी है और आज मैं लेके आया कुछ स्पेशल चीज़, क्योंकि मैं बहुत देर से सोच रहा था कि यार मुझे अलार्म क्लॉक लेनी है, कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है। तो लोग, तो मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि जब तक किसी भी चीज़ के आगे स्मार्ट ना लिखा हो तो मज़ा नहीं आता। तो ये है दोस्तों स्मार्ट ब्लूटूथ अलार्म क्लॉक। इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स के बारे में बताऊँगा, ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, आ गए अपनी अनबॉक्सिंग पे। ये सिंपल बॉक्स के साथ इन्होंने हमें प्रोवाइड किया, लेकिन इसके अंदर का जो सामान है वो हमने देखना है क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारी रेड कलर में हमें क्लॉक देखने को मिल जाती है, शानदार क्लॉक है। अंदर हमें इसकी मिल जाती है गाइड, जो कि दोस्तों वैसे तो ठीक है, कोई इसका पड़ता है नहीं। और इसके अंदर देखें हमें क्या देखने को मिलता है, तो ओके दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाती केबल और ये सिंपल सी कुछ चीज़ें। चलिए आते हैं वापस अपनी क्लॉक के ऊपर। दोस्तों आ गए अपनी ब्लूटूथ अलार्म क्लॉक की तरफ और इसके अंदर दो कलर मिलते हैं, जैसे कि ये रेड कलर है, मुझे शानदार लगा इसलिए मैंने ये वाला लिया है। और एक ब्लैक कलर भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। नीचे की तरफ जैसे कि मैंने आपको कहा, ये इसके फीचर्स देखने को हमें मिल जाते हैं, मॉडल, ब्लूटूथ वर्जन, आउटपुट और बैटरी टाइप भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये सामने की तरफ इन्होंने डिजिटल कलर की अलार्म क्लॉक दी है और ये भी मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको शो होगा। पीछे की तरफ इसके दो स्पीकर्स हैं, वैसे तो स्पीकर्स दोस्तों अगर आप स्पीकर से मुकाबला करोगे तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अलार्म क्लॉक के मुकाबले अगर स्पीकर है तो मुझे बिल्कुल ठीक लगे। अब इसको हम ज़्यादा टाइम ना करेंगे, ये आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ इसके कौन से बटन्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑन ऑफ, स्लाइड, मोड चेंज, सेट अलार्म क्लॉक वगैरह सारा आपको है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल दोस्तों, मैं सो रहा था ऑन करके मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं TF कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, ऑक्स मिल रही है और साथ में ये आपको चार्जिंग केबल जो मिली है वो यहाँ पे लगा के आप चार्जिंग कर सकते हो। तो शानदार चीज़ और जो इन्होंने प्रोवाइड किया है वो है क्लॉक स्पीकर के आगे। यहाँ पे आपको एक मोबाइल होल्डर मिलता है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने यहाँ मोबाइल होल्डर खोल दिया है और ये मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे रख दिया, तो ये एक तरह से मोबाइल होल्डर तक का भी काम कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक इन्होंने ऑप्शन दिए मोबाइल रखने की। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ इसकी बैटरी के बारे में, तो 1400 mAh की लिथियम बैटरी इसमें इन्होंने प्रोवाइड की है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। तो आप चार्जिंग भी लगा के रख लो और मेरे ख्याल से कुछ 6-7-8 घंटों में ये फुल चार्ज हो जाएगा और 2-3 दिन आराम से आपका निकल जाएगा, अगर आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो तो। नहीं तो अगर सिर्फ अलार्म क्लॉक चल रहा है तो मेरे ख्याल से ये हफ्ता तक भी आराम से चल जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों जैसे आपने देखा शुरू हो गया है और ये आपकी फर्स्ट लुक है। तो ये जो फर्स्ट लुक आपने देखी है, ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट कर लिया ताकि पता ना चले, गाना फटाफट आपको लगा के सुनाएंगे कि कैसी इसकी आवाज़ भी है। ये फर्स्ट लुक आप देख रहे हैं, ब्लूटूथ की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है और ये अलार्म जैसे कि मैंने लगाया हुआ है तो आपको शो हो रहा है। अलार्म आप इसमें दो लगा सकते हैं। शानदार चीज़ ये है कि ये देखिए, आपने देखा अभी डिग्री भी आपको पता चल रहा है क्या टेम्परेचर है, तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी कि आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा वहाँ पर क्या टेम्परेचर चल रहा है। और अगर आपको इसकी आवाज़ करनी है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, और ये लाइट अगर आपको बढ़ानी है, कम करनी है, वो आपकी मुताबिक आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक झलक सुनाऊंगा इसकी स्पीकर्स की, तो ये सुनिए इसके स्पीकर की आवाज़। वेल दोस्तों, अब आपने सुनी लिया कि इसकी आवाज़ काफ़ी शानदार है, लेकिन हाँ अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर से कंपेयर करेंगे फिर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप एक अलार्म क्लॉक की तरफ से देखें तो दो स्पीकर उन्होंने प्रोवाइड किए, उस हिसाब से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जब भी बोलती है कि अलार्म भी बजता है तो उसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी, वो मैं आपको भी सुनाऊंगा भी। तो दोस्तों लास्ट एक चीज़ रहेगी, जो इसके दो और मोड्स रह गए हैं, पहला मोड मैं आपको दिखा चुका हूँ ब्लूटूथ, दूसरा मोड इसका FM है और तीसरा होगा अलार्म क्लॉक का। तो दूसरा FM मोड मैं आपको अगर चला दूँ, ये FM मोड लग गया देखिए, तो FM मोड में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको पता है FM में क्या चलता है। ये सिंपल क्लॉक मोड जैसे अगर आप के सामने आ गया है, मैं एक बार लाइट अगर कम कर दूं तो ये जैसे कम हो गया, टेम्परेचर आपको साथ साथ बीच बीच में दिखाती रहेगी, ये इसमें डिफ़ॉल्ट मोड है। तो मैं एक बार आपको अलार्म सेट करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि अलार्म कैसे सेट होगा। तो अलार्म सेट करने के लिए आपको सिर्फ इन वाले बटन्स पर ध्यान देना है, जैसे कि आपको अभी दिख रहे होंगे, सिर्फ इन बटन्स पर आपको दिखाना है, ये सेट का बटन आ गया और ये आपको ऐसे सेट करने हैं, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना ये है कि जैसे कि जो भी आपको टाइम पे करना है वहाँ पे आप सिर्फ सेट को दबा के रखिए, ये आ गया। अब इन बटन्स की मदद से आप अपना टाइम जैसे भी आपको रखना है आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर लिया है 1:00 PM और ये मैंने फिर दोबारा सेट पे दबाया और ये आ गया मिनट्स पे और मैंने सेट कर लिया ओके 10 मिनट्स और ये दोबारा आप दबाएंगे तो आवाज़ आ जाएगी, एक ये आवाज़ आपको देखने को मिलती है, एक ये
तो ये पांच तरह की आवाज आपको देखने को मिल जाती है और फिर आपको दबाना है ऑन बटन और आपका ये अलार्म सेट हो जाएगा। वेल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक अलार्म मैं आपको लगा के दिखा दिया और दूसरा अलार्म भी आप लगा सकते हो। जैसे कि अगर 1 बजे 10 मिनट का मैं लगाया, आप 3 बजे का लगा लो, तो दो अलार्म आपके कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। वैसे ही हमें प्यार करते रहिए। अगली वीडियो दोस्तों जल्दी ही आएगी, तब तक दोस्तों गुड बाय। लेकिन जाते जाते दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको चेकआउट जरूर करना। ओके दोस्तों, गुड बाय।